उन लोगों ने अपनी डीएनए हमको दिया गया है. एक्चुअली बात तो ये है, आपको कुछ इच्छा है, वो इच्छा पूरी होना है. ओके, वो इच्छा पूरी होने के लिए आपको हायर डायमेंशन में से जो भी एक टेक्नोलॉजी है वो आपको डाउनलोड होना चाहिए, इंफॉर्मेशन डाउनलोड होना चाहिए. और शक्ति मीन्स एक नॉट ओनली इट्स लाइक एनर्जी, फिजिकल एनर्जी नहीं है, वो काम स्टार्टिंग टू एंडिंग कंप्लीट करने के लिए और भी बहुत सारे बीइंग्स की जरूरत पड़ती है अपन को. वो सारे बीइंग्स भी आपको सपोर्ट करनी चाहिए. ओके, वो सारे चीज आपको लाइफ में और डे टू डे लाइफ में मिलना चाहिए. तो फिर एक इंसान की बस की नहीं होती है, ये पूरा एक टीम आके हमको हेल्प करके जाते हैं. ये छोटे मोटे काम नहीं होते हैं कुछ चीज हमको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए. जैसे यहाँ पर 10th क्लास, चार छोटी सी बातें जैसे 10th क्लास को कंप्लीट करना, आपको स्कूल भी अच्छा होना चाहिए, स्कूल पे हर मिस भी सही होना चाहिए, और ट्यूशन मैडम भी अच्छा मिलना चाहिए, और लोगों को आपके ऊपर गुस्सा नहीं होके, किसी किसी टीचर को चिढ़ लग जाती है हमारे ऊपर, और आपके जो भी ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, वो भी सपोर्ट करना चाहिए. ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको सपोर्ट करना चाहिए, और इवन प्रकृति भी सपोर्ट करना चाहिए. जैसे कोरोना आ गया, 2 साल लोगों ने स्कूल ही नहीं गया, ऐसा कई चीज हो गया. ऐसा नहीं हो कि ईच एंड एवरीथिंग आपको सपोर्ट करनी चाहिए. ये सपोर्ट जो हमारे नसीब में सपोर्ट नहीं है, फिर भी हम एक एनर्जी को हायर में से ले रहे हैं, तो उसकी शक्ति से तो हर चीज यूनिवर्स में आपको सपोर्ट करना ही चाहिए. एक तो ये है, हमारे नसीब में हमने लेके ही आया है, तो ऑटोमेटिक हो ही रहेगा. एक बात ये है, हमने इच्छा तो लेके आया, मगर पास्ट कार्मिक की रिलेटेड प्रॉब्लम्स होके उस फील्ड में हमको सक्सेस नहीं मिल रही है. किसी ने कहीं गैजेट इन्वेंट कर लिया, मगर वो गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं मिल रही है, और उसको बनाने के लिए हमको कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहे हैं. गैजेट तो सुपर है और बहुत यूजफुल है, मगर दुनिया में हम बाहर आने के लिए हमको कोई मौका ही नहीं मिल रहा. तो इसका मतलब हमने पास्ट लाइफ में जो नॉलेज है और टेक्नोलॉजी है वो तो डाउनलोड कर लिया, मगर जो कार्मिक प्रॉब्लम है उसकी वजह हमको वहां सक्सेस नहीं मिल रहे. कोई रेसलर बन लिया, बॉक्सर बन गया, कोई टेक्नोलॉजी आपको समझ में आ गया, कोई किसी फील्ड में, सब इंफॉर्मेशन है उनके पास, मगर सक्सेस नहीं आके वो बहुत परेशान होता है. ओके, ये वो चीजें अभी है जो हम सीख रहे हैं डीएनए के अंदर. एनर्जी एक चीज कंप्लीट करना है, इसका मतलब हमारे अंदर जो पास्ट कार्मिक रिलेटेड जो भी है उसको भी छेद करके, मीन्स उसको भी छेदना, मीन्स इन तेलुगु इट्स लाइक मीन्स वो जो पास्ट कर्म है उसको भी क्लियर करके, बहुत हाई लेवल पे उसको क्लियर करके हम हमारे अंदर जो भी टैलेंट है उसको बाहर लेके आना है. वो शक्ति पुंज बोलते हैं. ओके, तो ऐसा होना चाहिए. इसी के लिए हम फिर वो एनर्जी कौन देता है, यूनिवर्स में कौन है, फिर किसकी एनर्जी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये है हमारा डीएनए की अंदर. एनर्जी कैसे लेते हैं, और आप पिक्चर्स में इधर उधर देखते हो कि भगवान या तो विष्णुदूत या तो दैवदूत या तो कोई ना कोई कुछ चीज ये बहुत दिल से मांगता है या रो रो के मांगता है. फिर वो वहां से एक लाइट आती है और हमारे को वो गिफ्ट दिया जाते हैं. और आपको ये डिटेल में तो नहीं मालूम है ना कि भगवान से तो आ गया आपके पास या यूनिवर्स से आपके पास आ गया, फिर आपकी बॉडी में वो कहाँ गया, वो एनर्जी गया कहाँ गया है. और ऐसा नहीं है वो आया और चले गया, आपने उसको एब्जर्व कर लिया. जो एब्जर्व कर लिया, फिर उठ के जैसे कालिदास बोलने लग गया है ना, और कई जैसे कोई चमत्कार की वजह अंधे को भी आंख आ गई है और देखने लग गया, गूंगे भी बोलने लग गया, कई चमत्कार हो गया. कोई पिक्चर्स में आप देखते हो, अब ये आदि पुरुष ये सारे फिल्म में आप देखते हो, उसको एनर्जी आ जाती है, वो फाइटिंग कर लेता है, ये सब कर लेता है. फिर ये आपकी डी एक तो चक्रास के अंदर, दूसरा सेल्स के थ्रू आपके डीएनए के अंदर, हर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर ये एनर्जी जाके फिर आप नॉर्मल एक इंसान से भी ज्यादा हाइपर होके फिर उस चीज से आप लड़ाई कर सकते हो, आप फाइट कर सकते हो, और उस चीज पे मीन्स अचीव करना है तो आपको जो भी टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज चाहिए वो हायर में से, वो जैसे 25th डायमेंशन, 94th डायमेंशन, 100th डायमेंशन, 115th डायमेंशन, जिस डायमेंशन में हो
वहां से आप वो डाउनलोड करके एवरी मिनट वो अंदर लेके आपके डीएनए को उतना ही एनर्जेटिक आप कर सकते हो। और दूसरा बात क्या है, डीएनए में अभी तक शायद आप लोगों ने दो ही स्टेट सुने होंगे, एक तो अवेकनिंग स्टेट और एक तो निद्रावस्था। मींस डीएनए अवेकन नहीं है, जो जंग डीएनए बोलते हैं, स्पिरिचुअल डीएनए बोलते हैं, 10 स्टैंड्स अवेकनिंग, तो 12 स्टैंडों में से 2 स्टैंड अवेकनिंग रहती है, वो मदर एंड फादर से जो है, इसी की वजह अभी हम सारे काम कर रहे हैं। जो 10 स्टैंड्स ऑफ डीएनए निद्रावस्था में रहती है, जो मदर की ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स है और फादर की पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स है, मीन्स हमारा दादा दादी नाना नानी और आपकी पेरेंट्स की दादा दादी नाना नानी, मदर की दादा दादी नाना नानी, ऐसे पीछे पीछे उन लोगों से जो आया है वो डीएनए निद्रावस्था में रह रही है, उसको हम अवेकन कर रहे हैं। क्यों? उन लोगों ने अपनी लाइफ टाइम में हमारे जैसे जितने भी पूजा पाठ किया, मेडिटेशन किया, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया, पुण्य काम किया, और जो भी उन लोगों ने कोई भी काम करके एक्सपीरियंस ले लिया, और क्या गलत है क्या सही है, दुनिया कैसा है, कैसे मीन्स खाना कैसे खाना है ये, और बीमार नहीं पड़ने के लिए क्या टेक्निक्स है, ये जो जिसकी डीएनए में जो नॉलेज है, वो नॉलेज ये लोग अभी हमारे अंदर अवेकन होने के लिए हम ये डीएनए अवेकनिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। ओके, सो अभी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ओके, तो ग्रैंड पेरेंट्स तो बॉडी वेकेट कर लिया, ओके, इधर ये ओरियंस की मेन पार्ट ये इधर से ही स्टार्ट हो गया। अभी हमारा मान के चले कि ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, ओके, ग्रैंड पेरेंट्स की बॉडी वेकेट कर लिया, तो वो ग्रैंड पेरेंट्स जो बॉडी वेकेट कर लिया है वो लोग किस डायमेंशन में है, वहां की सारे टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज हमारे पास बहुत जल्दी आती है, बिकॉज डीएनए इज मैचिंग टू देम। मीन्स अभी बहुत सारे लोग यूएस से कैल्शियम की और मल्टीविटामिन की बड़े बड़े बॉटल्स मंगवाते हैं, है ना, आप शायद आइडिया है, और यूएस में कई सामान ऐसे मिलते हैं बहुत बढ़िया, और दुबई में भी यही निविया क्रीम यही चीज है, बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है। हम कोई भी फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं, हम बोलते हैं वो ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, हमको मालूम है वहां वो चीज मिलती है, हमारा कोई भी जानकार वहां है ही नहीं, हम इतनी सी छोटी सी चीज नहीं मंगवा सकते हैं, हमारे इच्छा इच्छा जैसी रह जाते हैं और हम सपने देखते रहते हैं और टीवी में इधर उधर देखते हैं, यार ये क्रीम बहुत बढ़िया, यार वो एक बार दुबई से आया, वो मुझे मालूम है कि दुबई में मिलती है, मगर मेरा कोई जानकार है ही नहीं। ओके, अब आपके घर में कोई भी दुबई में है, हम फोन करके उसको बोलते नहीं, बोलते जब भी आओ या कुरियर कर दो मुझे, वो चीज भेज दो, ये तो इच्छा छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है। आपकी अभी किसी की तबीयत ठीक नहीं है, अपनी पूरी फैमिली यूएस में है, वो इलाज करवाने के लिए 1 मिनट में यूएस जाएगा, वहां इलाज करवा के आएगा, है ना, तो उनके लिए वो परेशान की बात नहीं होती है। अभी किसी को भी हम नहीं जानते यूएस में, तो सडनली इलाज के लिए जाना है कि कैसे तकलीफ होती है, कि कोई भी एयरपोर्ट में रिसीव करने वाला नहीं है, कोई भी रास्ता मालूम नहीं है, इंग्लिश मालूम नहीं है, कि कैसे तकलीफ होती है, है ना, काम तो कर ही लेंगे मगर तकलीफ के साथ करते हैं, ये क्या आसानी से कोई आके आपको एयरपोर्ट से लेके अपने घर लेके जाके खाना वाना खिला के साथ हॉस्पिटल लेके जाके डॉक्टर से बात करके आपकी बेड वगैरह इंतजाम करवा के सारे इंश्योरेंस के काम करवाए तो कैसा आराम मिलता है, या आप खुद ही वहां से लोटे पोलेटे खाता हुआ जा रहे हो, पिटता हुआ जा रहे हो, तो वो कैसा है। ऐसा ही हमारा बॉडी के अंदर जिसका डीएनए है वो किस डायमेंशन में है, वहां की सारे टेक्नोलॉजी और वहां और भी जो भी लोग रह रहे हैं, ओके, जैसे विष्णु लोक है, सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, नक्षत्र लोक है, ये सब बहुत सारे लोक है, ओके, उसी को हम प्लेडियंस, ओरियंस, वेगंस, इंडिगोस, टबोइंस, एक एक डायमेंशन वाले को हमने एक एक नाम दिया है, और ब्रह्मलोकवासी, सूर्यलोकवासी, चंद्रलोकवासी, नवग्रहवासी, नक्षत्रलोकवासी, सत्यलोकवासी, तपोलोकवासी, ओके, सो ये वासी हम इधर से जो हायर पे गया है, सो हम हर साल पितरों के जो करते हैं काम क्यों करते हैं, जो गया वो गया, उसको छोड़ देते, छोड़ ही नहीं रहे ना, कहीं भी शास्त्रों में कहीं भी जगह छोड़ने के लिए बोला ही नहीं है, छोड़ता तो बुरा माना गया था,
छोड़ने के अभी भी कोई भी हमारे अंदर भी हम मेडिटेटर्स में कोई बॉडी वेकेट कर लिया, वो डे आते हैं हम सारे लोग इकट्ठा होके फिर वो सोल हायर डायमेंशन में जाना चाहिए इस बात के हम मेडिटेशन करते हैं, है ना, उनके नाम स्मरण में हम मेडिटेशन करते हैं, और कोई किसी का बॉडी वेकेट करते हैं हम रोना धोना वो नहीं करते, वहां हम मेडिटेशन करते हैं, वो सोल रेस्ट इन पीस, है ना। तो हम जो गया बोल के हम क्यों नहीं छोड़ रहे, वो हायर पे जाना चाहिए, और कोई भी तकलीफ ले लेके भी बॉडी वेकेट करते हैं तो उनको पुण्य काम के लिए उनके नाम पे हम बहुत सारे पुण्य काम करते हैं, साधुओं को खाना बांटना, है ना, जैसे जानवर को खाना खिलाना, अनाथ आश्रम में खाना खिलाना, कोई भी मदद वाले को उनके नाम से शादी करवाना, ऐसे स्कूल फीस पे करना, बहुत सारे करते हैं। तो गया जो गया फिर उसके नाम से इधर क्यों कर रहे हैं हम, कभी सोचा? मीन्स हमारे पेरेंट्स ने कर लिया, हमने कर लिया, पंडित को दान देना, अमावस्या के दिन फूड देना, ये सब बहुत सारी चीजें करते हैं ये, बिकॉज ये नीचे पुण्य कर्म सफिशियंट नहीं होके ये हायर डायमेंशन पे पहुंच नहीं पाया है, तो हम इधर नीचे उनकी जो जेनेटिक्स मैच होता है वो लोग हम उनके नाम से जो भी काम हम कर रहे हैं उससे उनकी डायमेंशन चेंज होता है। स्वर्ग लोक की जब पोर्टल्स खुलते हैं, या पोर्टल से स्वर्ग लोक की कब खुलते हैं पता है आपको? नहीं। कब खुलते हैं पता है? नहीं 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 नहीं, अब मैं बताऊं, आप सबको पता है मगर ये बात पता नहीं है, ये हम संक्रांति के बाद जो भी पितरों हैं उन लोगों के लिए तीसरा दिन कनुमा बोलते हैं, उस दिन हम बड़ों के नाम पे सब लोगों को कपड़े देते हैं और खाना खिलाते हैं, उस दिन स्वर्ग द्वार खुलती है। अच्छा। दिसंबर के महीने में यम महाराज भूलोक संचार करके जितने भी लोगों को उठाना है उठा लेता है, और जनवरी संक्रांति के बाद ये स्वर्ग लोक की ये गेट्स खुलते हैं, ये पोर्टॉन गेट्स ओपन होते हैं बोलते हैं, ओके। और संक्रांति में आप कोई भी साउथ इंडिया की फिल्म देख लीजिए, संक्रांति के टाइम में एक ऑक्स, ओके, ऑक्स ऑक्स को क्या बोलते हैं, जैसे मेल काउ, ये घर के सामने आते हैं, उसको कपड़े देते हैं और उसको बढ़िया खाना खिलाते हैं। कभी भी किसी को भी पितरों को शांत करना है तो हम मेल ऑक्स को खाना खिलाते हैं उनके नाम पे, ये बहुत डायरेक्ट जाती है ये। और मीन्स नॉर्थ इंडिया तो मुझे पता नहीं, साउथ इंडिया में भी हम मन्नत मांगते हैं, कोई भी अचानक डेथ हो जाती है कुछ हो जाते हैं, इनके नाम पे एक मेल ऑक्स को लेके शिव जी को नमस्कार करके उनका नाम पे इनका टप्पा लगा के फिर उसको छोड़ देते हैं गाँव में, फिर वो जो चाहे वो खा लेती है, कहाँ चाहे वहां खा लेती है, फ्री उस सोल को हम फ्री कर देते हैं, खरीद के, जैसे कबूतर को हम खरीद के फ्री छोड़ देते हैं ना, पैरट्स को, पिजन्स को, वैसा मेल ऑक्स को खरीद के फ्री कर देते हैं इसके मालिक से, एंड वो जहां चाहे वहां खा लेती है, जहां चाहे वहां जी लेती है ना, ऐसा वो उनके नाम की टप्पा लगा के फिर हम इसको छोड़ देते हैं, ये सब बहुत सारी चीज है। फिर एक जीवी को एक्चुअली ये है ना, इंसान के बराबर है, जो बंदिश में रह रही है उससे जो मालिक बहुत काम करवा रहा है और उसको परेशान कर रहा है उससे हमने खरीद के इनके नाम से हमने फ्री छोड़ दिया, ये ऐसा। अभी भी कई लोगों को हम ये भी बोलते हैं, हमारा पेरेंट्स ने मन्नत मांग लिया कि बलि दे देंगे बकरा को, बकरी को, मेंढा को, ऐसा समथिंग समथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और हर साल हमारा आदत है इस पे करने की, अभी हम मेडिटेशन में आ गया मैम, अब हमको क्या करना है, फिर नहीं करे तो माता जी को गुस्सा आ जाएगी, हमारे फैमिली में कुछ परेशानी ना आ जाए बोल के पहले डरते रहते हैं। उन सब लोगों की यही आंसर है, फिर वहां क्या कर लीजिए, उनके नाम पे फिर उस जीवी को फ्री छोड़ दीजिए, फिर वो जहां चाहे वहां खा लेगी, जहां चाहे वहां जी लेगी, ऐसे नहीं उसको मारने से ही वो माता जी को हम दे रहे, हमारी तरफ से तो दे दिया, ऐसे नहीं मार के ही दिया है, हमने हमारे तरफ से दे दिया। ऐसे ही बहुत सारे लोग है साउथ इंडिया में कंपल्सरी जो है, उन लोगों का अभी 3-4 साल से उन लोगों ने अपने रिवाजे चेंज करके फिर एक जानवर को वो माता जी को दे देते हैं, मगर उसको फ्री कर देते हैं। और कई टेम्पल्स को हमने जो उग्र रूप है वहां से शांत रूप करवा के उनकी ऑर्नामेंट्स और एवरी चीज हमने चेंज करवाया, ऐसा भी अभी है जी जो वीडियो देख रहे हैं उनके गाँवों में ऐसे कुछ हो रहे हैं, अभी आप मेडिटेटर्स जैसे चेंज हुआ है तो वो उग्र रूप से शांत रूप कर सकते हैं, वो पंडित जी आपको सारे रिवाजे बता देगा, और किसी को जानवर को मारने की जरूरत है उनके नाम पे उसको छोड़ दीजिए और फ्री कर दीजिए, ओके।
और कबूतर ऐसी चीज जो पंजरे में बंद है उनको भी आप फ्री कर देते हो किसी के नाम पे, तो ये बहुत पुण्य कार्य है. ओके सो वैसा आपके एंसेस्टर्स हायर में जाते हैं. और ओरियंस हमको 12 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के अंदर सिक्स्थ सेंस को बढ़ाने के लिए बहुत इनकी एनर्जी यूज होती है. और किसी भी इंसान की ऑरा को नेकेड आई देखने के लिए डीएनए के अंदर इनकी एनर्जी यूज होती है. मीन्स सामने वाले की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब चीज हम नेकेड आई इनको देख सकते हैं जब ओरियंस की डीएनए हमारे अंदर एक्टिव होती है. स्विच ऑन बोलते हैं इसको, असल में एक्टिव भी नहीं है इसको, एक्चुअली बोलने की राइट वर्ड इज स्विच ऑन. ओके ये जब हमारे अंदर ये ताकत आ जाती है ओरियंस की, तो हम किसी को भी किसी इंसान का भी कितना भी पास्ट 10 भी हो 20 भी हो 50 भी हो हम उसको देख सकते हैं. और इनके अंदर क्या परेशानी है उसको हम सेंस कर सकते हैं. और ये इंसान ऐसा ही रहेगा, फिर ये आगे चेंज नहीं होएगा, फिर इसके साथ क्या परेशानी आएगा, फिर ये चेंज हुआ है तो इसके साथ कैसा अच्छा जिंदगी होएगा, ये हर बात हम देख सकते हैं. ओके और 94th डायमेंशन में से हम टेक्नोलॉजी को डाउनलोड करके इधर धरती पे काम करने के लिए सारे एनर्जी से नीचे लेके आ सकते हैं और सिक्स्थ सेंस बढ़ा सकते हैं. और ये सिक्स्थ सेंस के थ्रू हम इधर कई काम जो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कई काम कर सकते हैं और आने वाले कई मुसीबतों को भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ओके एंड प्रेडिक्ट कर से उससे बचने के लिए भी क्या 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 सॉल्यूशन चाहिए उसको हम अवलंब कर सकते हैं. अभी पीएमसी गुजरात में 10 o'clock के बाद ये लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि ताकि इधर पिरामिड्स बनना है और जैसे लोक शांत के लिए ऐसी चीजों के लिए कर रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ आने वाले हैं प्रॉब्लम. सो ये हमको पहले ही इंफॉर्मेशन आके पहले ही हम इसको क्लियर करने के लिए इतने सारे लोग हम बैठ के ये काम पहले ही हमने शुरू कर लिया. लास्ट क्लास में हमने जैसी आर्किटोरियन हीलिंग टीम की एक स्टार्ट करेंगे तो हम हीलिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो पहले ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, हम प्रिडिक्ट कर लिया तो आने वाले मुसीबत से हमको बचने के लिए और हमारा डीएनए को मींस प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक प्रोग्राम पहले से ही शुरू कर रहे हैं डैमेज होने से भी पहले ही. ऐसा बहुत सारे चीजें अपन को पता चल जाती है. और एक एमराल्ड है, ग्रीन कलर की एमराल्ड मीन्स आप सब लोग जो बोलते हैं पन्ना, और एक तो बेरियल और एक तो पेरीडॉट, ये तीन क्रिस्टल्स ऐसा है. तो ये ओरियंस की एनर्जी को ये बढ़ाती है, मीन्स ओरियंस की एनर्जी हमारे अंदर लेने के लिए ये थ्री क्रिस्टल्स यूज होती है. इसपे एक बहुत मीन्स वेरी गुड पावरफुल क्रिस्टल है पेरीडो, एक्चुअली इसको पेरीडॉट भी बोलते हैं एंड पेरीडो भी बोलते हैं. लाइट हल्का पैरेट ग्रीन कलर में रहती है और देखने में भी क्रिस्टल बहुत सुंदर होती है, मगर ये साइज बड़ा में नहीं मिलती, छोटी 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 ग्रैन्यूल्स बजरी जैसी मिलती है, जैसे आधा केजी एक केजी ऐसा लेके फिर उसको हम जहां आसन में बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं ये ओरियंस के लिए, फिर वहां 1 kg 1/2 kg डाल के टर्की टॉवल में डबल करके उसके ऊपर बैठ के हम ओरियंस के लिए मेडिटेशन करते हैं. ये वाकई में बड़े मजा आती है उस क्रिस्टल के साथ मेडिटेशन करने में. और वो लाइट ग्रीन कलर में रहती है, आप मेडिटेशन करते करते 10-15 दिन में एक ग्रीन कलर आपको पिक्चर्स में भी देखते हो, एक एक भगवान की एक एक कलर लाइट बताते हैं, हर भगवान की एक ही लाइट नहीं बताते. ये जो ओरियंस आते हैं ये ग्रीन कलर की लाइट के थ्रू आपके पास आएगा. ये पेरीडॉट है, एक तो बेरिल है. जो भी बच्चे ऑटिज्म है उनको अंदर नॉलेज होने के बाद भी इनको मींस रिटर्न आंसर बोलना नहीं आ रहे हैं, ऑटिज्म से परेशान हो रहे हैं और थोड़ा सा मंद बुद्धि बोलते हैं ना, मंद बुद्धि वैसा मंद बुद्धि जैसा है और थोड़ा मेंटली अनेबल जैसा है, स्पेशली एबल जैसे है, तो उनके लिए बेरिल यूज होती है, बेरियल. ओके ये ऑलमोस्ट ये तीन लाइक एक ही फैमिली के हैं. एमराल्ड की कच्चा तो बेरियल बोल सकते हैं, पक गए तो हम इसको एमराल्ड बोल सकते हैं. ओके सम ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंस है, ये सेमी प्रीशियस एंड वो प्रीशियस है. ओके एंड बहुत सारे लोगों को दिल में एक
अंतरंगिक दुख रहती है। मीन्स आपको जो डीएनए से या किसी की कुछ चर्या की वजह अंदर अंदर एक तरंग, अभी आप शायद में अभी तक शायद आपने महसूस नहीं किया या नोट नहीं किया, एक क्या होती है, किसी भी चीज आप देखते हो जिससे पास्ट में आप के साथ कुछ बुरा हुआ है या आपके एंसेस्टर्स के साथ बुरा हो सकते हैं, फिर वो क्या होते हैं, उस वस्तु को आप देखते ही या टीवी में कहीं भी हो, उस वस्तु को आप देखते ही एक थॉट आती है आपके पास आके, फिर आपके अंदर एक घबराहट शुरू होती है, शुरू होके फिर आप आंतरंगिक अंदर अंदर उस तरंग से उस सोच से बहुत परेशान हो जाते हो और पसीने पसीने में हो जाते हैं, बीपी आ जाती है, फिर दो तीन दिन उसी बात को आपको राउंड राउंड ऑरा के राउंड में आके बहुत दुख होते हो। और वो ऐसा नहीं है किसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसा नहीं है उस बात से किसी हॉस्पिटल जा सकते हो, किसी भी मीन्स किसी का आप मीन्स इट्स लाइक कैसे एक्सप्लेन करो, ये ना दिखा सकते हैं, ना एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना किसी से शेयर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एक सोच से एक थॉट से अंदर अंदर दिल के अंदर आपको एक परेशानी से चलते रहते हो। वो क्या है, कई बार आपको ही क्लैरिटी नहीं रहती है, पता नहीं मैं क्यों परेशान हूँ, फिर मैं ऐसे ही परेशान हूँ, मैं खुश नहीं रह सकती हूँ, मुझे खुशी नहीं मिलती है, घर में सब फंक्शन भी होता है, मैं ऐसे ही उदासी रहती हूँ, एक्साइटेड रहती हूँ, ये कंटिन्यू भी रह सकता है, ये कभी कभी भी रह सकती है। फिर ऐसा अंतरंग में अपने आप बिना मालूम चले हम कैसा परेशान हो रहे हैं, उन चीज भी बारीक से बारीक रूप से भी हम क्लियर करने के लिए हमको ओरियंस की एनर्जी बहुत यूज होती है। ओके, ओरियंस की एनर्जी एक्चुअली इन लोगों को हम तपोलोकवासी बोलते हैं। ओके, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में भी 6 टाइप्स ऑफ लोक है ब्रह्म के पास भी, फिर उस पे ये तपोलोकवासी है ये। ओके, और सारे वेद, जो 4 वेद हैं, वो सारे किसी को भी अध्ययन करना है और वो सुनना है और उस चीज को समझना है, तो आपको ओरियंस की एनर्जी आपके अंदर स्विच ऑन नहीं है तो उस चीज पे आप पूरी अध्ययन नहीं कर सकते हो। जिसके अंदर जितने कैपेसिटी है, उन लोगों ने कितना लेयर्स के अंदर इसको ओपन करके रखा है, जितनी परसेंटेज ये स्विच ऑन है, उसी हिसाब से हम वेदों के अंदर की जो सारांश है उसको हम समझने लगते हैं। वरना तो सुनने वाला सुनता है, अच्छा अच्छा बढ़िया यार, बढ़िया साउंड है, ये सोच के रखते हैं, कोई उस वेद का सारांश में 100 बातें हैं, फिर 5 बातें पकड़ सकते हैं, कोई 10 बातें पकड़ सकता है, फिर 5 बातों का भी सूक्ष्म पकड़ के फिर अपनी लाइफ में उसको इस्तेमाल करके अपने आप को सही कर सकता है। कोई समझ में आने के बाद भी चिप करते वक्त ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है, फिर वही नॉर्मल जैसा रहता है वैसे रहता है। ऐसा जो वेद का सारांश को पूरी समझ के और अभी की इनकी लाइफ में जो भी परेशानी है या कोई भी चीज पे वो इस्तेमाल करके फिर वो अपने आप को चेंज करके एक महान आत्मा जैसे चेंज होने के लिए ये वॉरियंस की एनर्जी बहुत जरूरी है। ओके, एंड दूसरा, अभी आप सोच रहे हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की लाइफ आप जी रहे हो, मगर आपकी एंसेस्टर्स 4-5 पीछे चले गए, तो अब कैसे सब लोग इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। पास्ट में सब लोग ने वेद या मंत्र या कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा हुआ है ना, बिना वो पढ़े हम इधर तक ऐसे ही नास्तिक नहीं आया है, कुछ ना कुछ तो पढ़े हुए हैं। ओके, कुछ किसी ना किसी मंदिर तो जरूर जाए हुए। ओके, सो वो तरंग ऑलरेडी आपके अंदर है, अब उसको काले अवेकन करते हैं तो ओरियंट से बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हैं हम, ओरियंट से कनेक्ट होना बहुत मुश्किल की बात नहीं है। ओके, और आपको कुछ चीज चाहिए। ओके, कुछ चीज आपको चाहिए, अभी देखिए मैं बहुत इजी एग्जांपल बता रही हूँ, अभी हम सब लोग इतने सारे वर्ल्ड में या तो इंडिया में समझ लीजिए कि एक छोटी सी टेक्निक की बात है मेडिटेशन। ओके, आधा घंटा एक घंटा हम आराम से बैठ जाएंगे, ओनली सांस के ऊपर ध्यान रखेंगे तो हमारा प्रॉब्लम क्लियर होने की रास्ता है ना, मगर हमको पता तो है ही नहीं। तो इतनी सारे लोगों ने मीन्स कुछ ना कुछ एक रास्ता देने के लिए हमने प्रेयर किया है। सो क्या हुआ था, पत्री सर की जन्म हुआ है और इसके थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिला है।
है ना। तो एक ग्रुप ऑफ सोल्स एक टाइम का, अभी ये 2022 चल रही है ना सर, 1998 से भी है। फिर एक ग्रुप ऑफ सोल्स एक टाइम पीरियड के लिए किसी बात से परेशान है, उन लोगों को उस परेशान से बाहर आने के लिए, ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से कनेक्शन में रहने की जरूरत नहीं है। फिर वो लोग, हाँ हमको इस परेशानी से बाहर आने के लिए एक रास्ता चाहिए बोल के भगवान को हम प्रेयर किया है, तो एक सोल के अंदर ये सारे इंफॉर्मेशन दे के उसको उतारते हैं। ऐसा पहले बिजली नहीं है, एडिसन ने फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए दे दिया है, कोई पानी की परेशानी किसी ने आके ये इन्वेंट कर लिया है, ऐसा फिर ये टेक्नोलॉजी है तो है ना। फिर हम एक एरिया में हजारों लोग रह रहे हैं, एक इंसान के अंदर वो टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है, आके फिर ये लाखों लोगों को फायदा कैसे हो रही है, समझ गए? कोई स्पिरिचुअलिटी में हो रहा है, कोई बच्चों के स्कूल के पढ़ाई में आसान हो गया है ना, किसी को फिर कोई बहुत पहले हम पानी लेके आना है तो इसके पास नदी के पास चलते थे मटके ले लेके ले लेके, अब घर के अंदर नल में आ रही है ना। अब ये औरतें जो परेशान हो गए हर एरिया में लोगों ने प्रेयर किया, ये कोई टेक्नोलॉजी उतरी है किसी के अंदर, उन लोगों ने फिर घर तक पानी आने के रास्ता आ गया। ओके सो इसलिए ये क्या होता है, फिर इसी को बोलते हैं, फिर इतनी सारे ग्रुप ऑफ सोल्स ने, सोल्स का मतलब ऐसे नहीं है कि बॉडी नहीं है उसी को सोल कहते हैं, हमारे अंदर भी जो भी सोल है, अभी हम इस धरती पे हैं, हम किसी चीज से परेशान है, हमने एक ही टाइम में डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने हमको इसको सोल्यूशन दे दो भगवान, सोल्यूशन दे दो यूनिवर्स, जो हम मांगते हैं, तब हमारे इच्छा पूरी करने के लिए एक हमारे से हायर पूर्णात्मा बन के फिर हमको सब चीजें बांटते हैं, जो भी चीज जिस इंसान परेशान है उसके लिए एक इंफॉर्मेशन देने वाला आत्मा उतरती है। ओके उसको हम पूर्णात्मा बना के उसके थ्रू जिस जिसको एक ही टाइप की प्रॉब्लम से परेशान हो रहे वो लोग इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। थोड़ा सा टफ लग रही है या ओके समझ में आ रही है? ओके सो मीन्स दिस इज कॉल्ड एज कारण शरीर। ओके पूर्व पत्री सर की जन्म एक कारण शरीर की वजह, कारण की वजह वो शरीर लिया है, वरना तो उनको धरती पे आने की जरूरत नहीं, इनको तो सब बात मालूम है। वो हमारा, हमने मांगा था इसके हमारे कारण की वजह वो शरीर पे आके फिर सब लोगों को एक नॉलेज देने के लिए आया है। ओके सो ऐसा ही छोटी बात हो सकती है, बड़ी बात हो सकती है, कुछ भी बात हो, एक ग्रुप ऑफ लोगों ने कोई भी चीज मांगता है तो ये ओरियंस के थ्रू ही एक कारण शरीर इस धरती पे आके इतने सारे लोगों की इच्छाएं पूरी करने के लिए कोई सोल इधर उतरना है, तो वो कारण शरीर ये ओरियंस की प्लानिंग के थ्रू आती है। ओरियंस के अंदर भी स्टार सीड्स होते हैं और ये प्लानर्स बहुत अच्छे अच्छे प्लानर्स होते हैं। ओके आई विल शो यू सम फोटोज इफ माय सिस्टम सपोर्ट्स, वन मिनट, आई होप एवरीथिंग सपोर्ट्स। Okay. See, this is Orion star seeds. इनकी फेस ऐसे होती है ओरियंस की। इधर अभी भी हमारा नॉर्मल लाइफ में भी हम ऐसे फेस वाले को देख सकते हैं, ये इधर से नीचे रहती है ओरियंस की फेस। ओके ये चीक से लेके ये इधर से ये लोग थिनी रहते हैं ओरियंस, और ये ओरियंस आसमान में एक नक्षत्र रूप में, ये नक्षत्र को जोड़ेंगे तो ऐसा होता है। सी दिस, ओके दिस इज ओरियन, ये एक बाण को पकड़ के फिर वो बाण को निकालने के लिए रेडी है, योद्धा जैसा एक ऐसी होती है इसका फोटो। ओके यू कैन सी दिस, ये नक्षत्र है, दिस आर स्टार, ये स्टार्स के समुदाय में ये लोग पूरा ये लोग रहते हैं। जैसे हम
मीन्स इंडिया में रहते हैं तो आंध्र प्रदेश में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, जयपुर के अंदर इस एरिया में रहते हैं, गुजरात के अंदर इस एरिया में रहते हैं, जैसा ये लोग स्टार कंसिलेशन बोलते हैं, वहां ये ओरियंस ऐसा स्टार्स के अंदर रहते हैं। और आपको एक बात और बताऊं, ओरियो बिस्किट आपको मालूम है ना, ओरियो बिस्किट, ऐसा ही ओरियंस बोल के इस धरती पे एक जात है, आप गूगल में टाइप करके देख लीजिए ओरियंस, तो वो बहुत बीसी से है और उन लोगों की फेसेस भी आप थोड़ी देर देख लीजिए, उनके अंदर वो सीड है, वो एक्टिव है, वो लोग इधर जो भी काम करना चाहिए वो वैसे कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे नाम श्री वेगी है, आप सबको पता है वेगी इज द फिफ्थ ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, फिफ्थ ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। वेगी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ही आर्किटोरियंस है, बहुत सारे, और वहां की वो नक्षत्र लोकवासी है, वो वहां से आए हैं। और फिर मैंने, ये कैसे हो सकता है, मेरे घर का नाम है वेगी, और बहुत सारे लोग हमारा अफ्रीका में और यूएस में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो फिफ्थ ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज वेगा, VEGA। हमने कुछ न्यूमरोलॉजी की रिलेटेड मैंने ये VEGA को, मैंने VEGA जैसे मैंने कुछ चेंज किया था इसको, और अभी ये ओरियंस की नेक्स्ट पड़ोसी है हम वेगास। ये भी बहुत बड़ा जात है, और ये लोग इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए और किसी को भी लाइफ में लाइट डालने के लिए, जो भी अंधकार में परेशान होते रहते हैं उनको उजाला दिखा के वहां से उठा के, भाई वहां गलत जा रही हो इधर जाओ बोल के इसे उठा के, जैसे अपन को मालूम है बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं, हम इसको उठा के जैसे इधर रखना हमारे लिए तो आसान है, तो वैसा कोई भी रास्ता के लिए भटक के ढूंढ वो हो रहा, तो उनको अपने रास्ते में रखने के लिए ये वेगा ये बहुत काम करते हैं। और इसके अंदर ये समथिंग लाइक 70,000 माइल्स स्टार काउंसलर अवे फ्रॉम द सन, ऐसा इसकी एक हिस्ट्री बताया था, अभी मैंने कंप्लीट पढ़ा नहीं, अभी पढ़ूंगी, साल भर से रोज सोचती हूँ मैं पढ़ू, अभी जब टाइम आएगा वो अपने आप पढ़ेंगे। सो ये तो पता चल गया, हाँ हमने भी स्टार वर्ल्ड से आया है, हमारा घर के नाम से भी ऊपर नक्षत्र है, और इसका भी पूरे सैटेलाइट इसके भी राउंड चल रही है, और इसका हमेशा एक एक मिनट का वो स्टार कहाँ से कहाँ चलती है, एक ऐप है, उस ऐप के थ्रू भी हम देख सकते हैं अभी भी वहां स्टार लाइफ कैसे चल रही है, वो अभी हमका इसका लाइट कैसे कैसे चल रही है वो देख सकते हैं, और इसका पूरा स्टोरी देख सकते हैं। मैं वो ऐप भूल गई, अभी आई सर्च, ओके। सो हम सब हायर में से नीचे आया है, हमारा परिवार वाले, फिर इधर नॉलेज लेने के लिए हमको DNA के अंदर एक 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 चीज दिया है, इसकी वजह हम अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई भी इंजीनियर हो, प्लम्बर हो, कुक हो, खाना पकाने वाले हो, कचड़े वाली हो, या कोई पंडित हो, ब्राह्मण हो, कोई भी फालतू में इस धरती पे नहीं आया है। पंडित अपना काम करते हैं, कचड़े वाला अपना काम करते हैं, टीचर अपना काम करते हैं, प्लम्बर अपना काम करते हैं, तो हम सारे पानी टाइम पे आ रहा है, खाना टाइम पे मिल रहे हैं, गुरु से ज्ञान ले रहे हैं, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हर इंसान की, हर जात की हम वैल्यू देना चाहिए, कोई भी यूं नहीं है। और हमारे बॉडी के अंदर जिस नक्षत्र से आया है, उस जिसका DNA हमारे अंदर अभी फ्लो हो रही है, वो किस डायमेंशन के वाले हैं, उसको वो टेक्नोलॉजी उतरती है, वो धरती के उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के काम करता है। भगवान कभी भी दुख तकलीफ कुछ भी चीज नहीं दिया, हम लालच में आके गलत करने के दिल चाह के खुद हम कुछ ना कुछ गलत काम की दौर हम जाते हैं, फिर वहां पकड़े जाते हैं, फिर इसके बाद रोना शुरू करते हैं, फिर उसको उतारने के लिए फिर भगवान के चरणों में आते हैं। ओके, सो भगवान की, भगवान को कभी बुरा मत बोलना, इनको अकल देके, हाथ पैर सब अच्छा देके, सब चीज बढ़िया देके, उन्होंने अपने को छोड़ दिया है। ओके, वी हैव टू डिसाइड हाउ वी हैव टू लिव। ओके, ये हाथ पकड़ के कभी अपन को दूसरी रास्ते पे थोड़ी उन्होंने छोड़ा था, नहीं ना, तो जब बुरा होने के बाद तो इनके नाम क्यों। ओके, एंड हाँ, ओरियंस में एक बात और है, कई लोगों को व्यामोह रहते हैं, चित्र विचित्र तरीका की व्यामोह रहती है। चित्र विचित्र व्यामोह का मतलब, किसी को किसी चीज पे, जैसे 60 ईयर्स एज आया मगर गाउन देखते हैं बहुत पसंद आते, एक व्यामोह है कि वो गाउन पहने तो मैं कैसा रहूं,
मेरे बचपन में इतनी स्टाइलिश गाउन्स नहीं है यार, मेरा अभी पोती पहन रही है तो मेरा दिल चाह रहा है, एक बार जब कोई नहीं है वो आंटी जो वो गाउन पहन के एक बार तो दिल खुश कर लेते हैं। ऐसा अभी ये क्या नॉर्मल व्यामोह नहीं है, ये एक विचित्र व्यामोह है। हमको पता है डायबिटिक है तो शुगर स्वीट नहीं करना, मगर हमारे अंदर इतनी व्यामोह है चाहे मर जाएंगे मगर स्वीट तो खाएंगे खाएंगे। फिर अपने आपको एक ये व्यामोह की वजह अपने आपको हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे। ऐसा किसी के अंदर कोई लेडीज के पीछे व्यामोह है, कोई कुछ और काम से व्यामोह है, कोई गोल्ड खरीदने में व्यामोह है, कोई किसी बात पे व्यामोह है, किसी को भी किसी भी चीज पे व्यामोह नहीं रहना चाहिए। जो जरूरी है जो चीज है वो हम यूज करके इस्तेमाल करके, मैं बहुत शौकीन हूँ इस चीज की, मैं वो ये हूँ वो भी नहीं रहना चाहिए। हम जितने न्यूट्रल पे रहते हैं, जितने ज्यादा सामान पे हम न्यूट्रल पे रहते हैं, हमारा जैसे बीपी कंट्रोल में रह के कैसे रहते हैं वैसा ही हमारे एनर्जीज हमेशा एक ही फ्लो में रहता है, तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज आके हमको ऐड हो सकती है। किसी भी चीज को देख के बार 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 हम ज्यादा वाइब्रेट हो रही है तो कोई एनर्जी हमारे पास आने की सोच रही है, और आने की हमारे डीएनए के अंदर सोल के अंदर ताकत होने के बाद भी हम इतना डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, कोई एनर्जी को हम टिकने नहीं दे रहे। ओके, तो इसलिए रोना रोना बहुत तेज तेज हंसना, बहुत बुरे बुरे रोना, और किसी बात से बहुत हाइपर हो जाना, फिर दो मिनट में ठंडा हो जाना, वो कर देना ये कर देना, आप अपने आप को कितना डिस्टर्ब रखते हो, उतनी आपने जो खा लिया पी लिया और सोने के टाइम पे जो एनर्जी ले लिया और जो स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन करके ले लिया वो सब आप वेस्ट कर देते हो। और आपने अभी तक जो मांग मांग के जिसको बुला बुला के वो एनर्जी ले रही हो, ऐसा नहीं आप अभी बुलाए तो इसी वक्त 5 मिनट के लिए आके चले जाएगी। जब आप शांत रहते हो, सारे सेल्स ओपन में रहती है, तो वो एनर्जी तो आती रहेगी, फिर वो अंदर एब्जॉर्ब होके आपके सोल के अंदर जाके वो आपके साथ सेटल होके फिर आपके साथ काम करने के लिए उसको थोड़ी टाइम उनको देना चाहिए। तो आप कभी भी मेरे पास फोन आती है, वो आती है, लोगों से डिस्कशन करते हैं एक कूल, मैं आपको ग्रुप में भी, अरे यार मैं इधर बैठी हूँ, आपको क्या परेशानी है, मस्त रहो, सुकून से रहो, क्या परेशानी बताओ, चलो कोई बात नहीं, एक क्लास और बोल दूंगी। एक क्लास बोलना है शायद मुझे, ये बात सोच के मैं जो परेशान होती हूँ उससे मैं एक क्लास बोल लिया, उससे मुझे ज्यादा एनर्जी आई। अरे यार एक क्लास और एक्स्ट्रा बोलना पड़ जाए यार, ये सोच के जो मैं परेशान हो जाऊंगी उससे जो चीज मेरे पास आ रही है उसको मैं डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ। चलो एक क्लास बोल लूंगी, क्या होएगा, 2 घंटे बोलना ही तो है, क्या खर्चा है, तो बोल लिया, तो एक न्यू एनर्जी को मैंने इन्वाइट कर लिया। ओके, सो ये हर एक सोच, हर एक बात, हर एक चर्य, हर एक बॉडी लैंग्वेज भी आपको, एक टेबल को बार बार हिलाओ कि टेबल के सामान नीचे गिर जाएंगे, है ना, ये वही चीज होता है। इसलिए माइंड को भी शेक मत करना, आप भी शेक मत करना, अर्थ तो ऑलरेडी शेक हो रही है, वो तो घूम रही है ब्रह्मांड में, फिर आप भी इससे ज्यादा वाइब्रेट नहीं होना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेडिटेटर के लिए। If you want a good energy, a perfect energy, and always you need energy to flow within you, you must not disturb your thoughts, okay? And thought forms. एक ही सोच antenna, even हमारे को हवा आती है तो internet भी disturb होके हमारा तरंग disturb हो जाती है ना? जिस दिन बादल आ जाती है उस दिन भी हमारा internet wifi connection सही नहीं आती है, फिर आप इतनी वो करोगे तो आपके अंदर क्या क्या होएगा? ओके, सो एंड दूसरा बात क्या है, आप यूनिवर्स से, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम मुझे एक्सपीरियंस नहीं आ रही है। ओके, आपकी क्राउन चक्रा से यूनिवर्स को कनेक्ट होके, फिर वही तो बात हो गई ना, यूनिवर्स की जो भी बातें हैं, टेक्नोलॉजीज हैं और लैंग्वेजेस हैं और आपकी एंसेस्टर्स जिस डायमेंशन में है वहां की हर बातें आपके सहस्रारा के थ्रू आपको अंदर उतारना है और आपकी हाइपोथैलेमस पे, जो हाइपोथैलेमस पे इसको एक्टिव करके लाइट लैंग्वेज को समझना है, तो भी ओरियंस की डीएनए बहुत जरूरी है, इनकी एनर्जीज को स्विच ऑन करना जरूरी है। फिर हमारा कोई एंसेस्टर्स ओरियन की डायमेंशन में है तो हमारा काम बहुत आसान से होती है, वरना तो थोड़ा सा मेहनत करके करनी पड़ती है। ओके, सो इसलिए
एंसेस्टर्स को भी हम हायर डायमेंशन पे पहुंचाने के लिए ये डीएनए फर्स्ट क्लीनिंग प्रोसेस, अवेकनिंग प्रोसेस और रिपेयरिंग प्रोसेस, ऐसा बहुत सारे प्रोसेस हम करते रहते हैं। ये हर एक जिसने जो जो जेन्यू हमको दिया है वो सारे 12 जेन्यू हम एक्टिव करते हैं, तो क्या होता है इसके बाद हम डाउजिंग कर सकते हैं। डाउजर के थ्रू किस डायमेंशन में इसकी रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को हम ओपन करके आराम से, जैसे आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स है, कोई भी सेशन के लिए आया है, सर मैंने ये गलती है, तो आप बुक खोल के, हाँ 142 सेक्शन में ये सब क्लॉज है, इससे मैं तुमको बचा दूंगा और इससे तुम्हारा ये शिक्षा कम कर दूंगा बोल के इसकी पूरा प्रोफॉर्मा देख सकते हो। ऐसा ही हम किसी भी डायमेंशन से वो आया, कोई भी गलती क्या, उसके लिए उपाय क्या करना चाहिए, वो सारी चीज आप देख सकते हो। ओके, बिकॉज ये 12 डीएनए को हम एक्टिव करने के बाद हमारा 200 वो चक्र तक हम क्लीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। और एक्चुअली 102 डायमेंशन के बाद क्या होता है, हम इस जो लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, फिर वहां की डायमेंशन के लोगों को हम नीचे बुला के हमको जो जो चाहिए वो काम उनसे करवा के फिर नमस्कार कर सकते हैं। फिर कहाँ तक हम ट्रैवल कर सकते हैं और किसको हमारे तक बुलाना है वो मैं नेक्स्ट आगे क्लासेस में धीरे धीरे आपको समझाती रहूंगी। ओके, अभी गवर्नमेंट ऑफिसर से काम है, हम ऑफिस जाते हैं, है ना, हमसे किसी से काम है हम इधर बुलाते हैं, है ना। फिर इस पे ऐसा ही, इस पे भी स्टार सीड्स है, सीड्स है, फिर डायमेंशन के हिसाब से कौन कहाँ है, किसी को एनर्जी बुला सकते हैं, किसी को स्वयं भी बुला सकते हैं, कहीं हमारा सोच थॉट को वहां पहुंचा सकते हैं, कभी हम एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू वहां डायमेंशन जाके लोगों के साथ डिनर करके सारे बातचीत करके सब समझ के वहां से बहुत सारे इंफॉर्मेशन नीचे लेके आ सकते हैं, या हम ऑर्डर राइटिंग के थ्रू लिख सकते हैं, ऐसा बहुत सारे काम हमारा सोल कर सकती है। ओके, ये बहुत सारे लोगों ने ये कर लिया है, ये कर लिया है। ओके, अभी हम नया सुन रहे हैं मगर बात नया नहीं है, बात बहुत पुरानी है। अगस्त्य महामुनि ने फिर कैसे लिखा है हर एक इंसान की स्टोरी, ऐसे ही तो लिखा है ना। और हमारे ऋषियों ने हर पाप कर्म की एक प्रायश्चित कैसा लिखा है, फिर ऐसा ही तो लिखा है। हर पुण्य कार्य होना चाहिए या कोई दोष है तो उसके लिए मंत्र कैसा लिखा है और इसका पर्यवसान कैसा लिखा है, और इनके लिए जो भी पूजा पाठ का सामान क्या क्या यूज करना है, होम का सामान क्या यूज करना है, क्या प्रसाद बनना चाहिए, वो सारे कैसे लिखा है। फिर ऐसा ही, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन पे ट्रेवल करके वहां की जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके, कोई नवग्रह के लिए लिखा है, कोई दोष के लिए लिखा है, कोई कुछ दोष के लिए लिखा है, ऐसा काल सर्प दोष के लिए लिखा है, हर चीज के लिए लिखा है। फिर ये पाप हमने जो लोअर डायमेंशन से करके इधर धरती पे आया है, इधर हम शरीर है तभी ये सारे चीज हमारे डीएनए के अंदर हम स्विच ऑन करके इसको अनुभव कर सकते हैं, इसकी वजह ही हमको मानव शरीर चाहिए। ओके, सो लोअर डायमेंशन में हमने जो भी काम कर लिया उससे हमारा ये जो नॉलेज नहीं होने की वजह जेन्यू खराब हो गए हैं, इसको दोबारा एक्टिव करने के लिए ये मनुष्य की जन्म मिली है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड अ लॉट। सो 2 मिनट आपसे कोई डाउट से मैं लेके फिर मेडिटेशन में बैठेंगे, किसी को कोई डाउट है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। जी मुक्ता जी बोलिए। हेलो मैम। जी हेलो, सुन जी, सकते हो? नमस्ते। नहीं नहीं मैम, वेट कर रहे हैं, आप ओरियन का चालू कर दो, हमारे अंदर क्या क्या अनुभव करना है, आई एम वेटिंग। एक्चुअली हम जब इंफॉर्मेशन सुनते हैं तो वो हर इंसान के दिल पे, अरे यार हमारे साथ भी ऐसा होए तो अच्छा है, हम ऐसे भी करें, ये जो इच्छा आते ही वो एक्टिव होना शुरू हो जाती है। ओ ब्यूटीफुल, वंडरफुल, है ना, परफेक्ट। फिर हमने perfect. एक सोच छोड़ दिया है और वहां तक ये पहुंच गए हैं, और जब भी टाइम okay. आते हैं और हमारा फोर्स सफिशिएंट होता है, वो लोग हमको हेल्प करने के लिए ही तो है, वो आ जाएगा। अच्छा। वो लोग अच्छा, स्कूल के बैठा है ऑनलाइन की स्कूल।
वो मैम वो प्लेडियंस और क्या आर्किटोरियंस वो सब किसी किसी को भी ऐसे बुला के हम आ, 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 यस सीख सकते हैं। जी, पास कर सकते हैं, सीख सकते हैं कई चीजें, वरना तो हम इतने सारे पिरामिड मास्टर्स रोज एक सब्जेक्ट लेके कहाँ से आ रहे हैं। इनसे जब कनेक्ट होते हैं वहां की टेक्नोलॉजी जो ओके चाहिए वो हम डाउनलोड कर रहे हैं। मैम, ओके फाइन। ओके okay? नमस्कार 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 नमस्कार। योगेश जी बोलिए। ये कल से जो क्लास चालू होता है इसमें ये सब कवर हो जाएगा? जी, यस यस, या ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी थैंक यू मच, थैंक यू जी। बोलिए कौन? अनुश्री, अनुश्री जी बोलिए। यस मैम, एक्चुअली ये आपने आज डिस्कस किया कि किसी की वाइब्रेशंस मैच करती हैं, थोड़ा सा अंदर से डर सा लगने लगता है रिसेंटली बिल्कुल मूवमेंट में, और फिर बाद में समझ में आता ये क्यों वाइब्रेस, अभी तो हम सही थे और एट ए टाइम ऐसे कैसे हो गया ये, और ये कब हो रहा? जब हम मेडिटेशन करने लगे हमें लगता है सेंसिटिविटी बढ़ रही, पर मैं उस टाइम पे हैंडल नहीं हो पाती ये सब चीजें, ये लगता है कि ये किस ट्रैक पे जा रहा है, अजीब सा। ये बहुत सारे लोग के कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये जी क्या जी हो जी रहा है जी मालूम नहीं। जी जी मेडिटेशन जी में कभी भी बुरा होती ही नहीं है, ये जी बात जी फिक्स कर लीजिए। ओके, जैसे जी आप लोग ये सोचिए कि मंदिर में कोई बुरा होती नहीं है, कैसा है इस जी बात की फिक्स है, ऐसा है मेडिटेशन में कोई भी बुरा नहीं होते। ऑलरेडी हमारे अंदर जो बुराई है उसको सफाई करने के टाइम में कुछ तकलीफ होती है, उस तकलीफ, और कोई लोग हमारे को पकड़ के रखे हैं जो ये दुर्गुण वाले वो है ये है, उनको हमारे से अलग होना पड़ती है, ये इतना हायर फोर्स ऑफ एनर्जी। उस टाइम पे अपन को क्या करते हैं, बहुत प्रलोभ में और माया में लेके जाते हैं ताकि हम अच्छी चीज छोड़ दें और ये लोग आराम से हमारे साथ रहे, हमारा खून चूसते रहे, हमारा हर चीज ये लोग एंजॉय करते रहे। फिर उस टाइम पे जो स्क्वीज होते हैं हम, वो हमारे कॉन्शियस को हम यूज करके, तभी तो हम पिरामिड है, फिर हम महादर बाबा जी की कॉन्शियस हमको इनवाइट करते हैं, तो इसी के लिए है। और ये जो एनर्जीज हमारे पास आते हैं ये एक दिन जस्ट छोड़ देगा, ये लोअर एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, ये लोअर थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स, फिर उस टाइम से फिर इसके बाद हम आगे दौड़ने लग जाते हैं, फिर ये सेल्स सारे कॉस्मिक एनर्जी से, ये डिवाइन एनर्जी से रिकवर हो जाते हैं, तो दुख तकलीफ ये बाधा पीड़ा ये सब चीज अपने आप धीरे धीरे रिकवर होके दूर हो जाते हैं। मैम, में ऑरा का इफेक्ट होता होगा मैम, जैसे जो ऑरा हम लोग के बगल में है उनका जी इफेक्ट आता होगा अपने और। जी मैम बिल्कुल समझ गए मैम, थैंक यू मैम। ओके okay. जी और रात को ये प्लेडियंस को ओरियंस को ऐसे ऐसे सपने में देखना मत आप लोग, है ना, बहुत ब्यूटीफुल है ना लोग। किसका डर जाएंगे मैम। फेस मैच हो रहा है इसमें, इसमें किसका फेस मैच हो रही है जी? योगेश जी बोलिए। इनका पिक्चर्स आप उसमें ग्रुप में डाल देंगे? हाँ डाल दूंगी जी, डाल दूंगी, है ओके जी, थैंक ना, यू थैंक किसके यू। फेस मैच हो रही है वो भी अपने फोटो भी डाल दीजिए कि मेरा फेस इससे मैच हो रही है, प्लेडियम से मैच हो रही है, ओरियन से मैच हो रही है। ओके लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन, रिलैक्स फर्स्ट, क्लोज योर आईज। Close your eyes, cross your legs and cross your fingers. Inviting Aryan's energy हमारे डीएनए के अंदर, एक स्टैंड में ओरियंस की एनर्जी को हम स्विच ऑन कर रहे हैं। All the six senses are
being activated with the help of Orion's team. Our ancestors say complete information direct हमारा अंदर awaken कर रहे हैं. एक एक स्टैंड की डीएनए को इमेजिन करते हुए ओरियंस की लाइट ग्रीनिश एनर्जी आपके पूरा स्टैंड्स ऑफ डीएनए में ट्रांसफर हो रहे जैसा इमेजिन करते हुए मेडिटेशन कीजिए. अपोलो का वासियों से तपस्या कर करके जो सोल्स लोग पहुंचे हैं वहां से अभी हम परमिशन एंड टेक्नोलॉजीज लेने के लिए तैयार हैं. वी आर गिविंग अवर एक्सेप्टेंसी टू रिसीव ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम तपोलोक द परमिशन ऑफ ब्रह्मा जी. Thank you.
लदे।